मुख्य सूरजगढ़ पंचायत समिति के लोग पंच पद को लेकर अजीब उलझन में रहते हैं। घंटावा ग्राम पंचायत के लोगों का मानना है कि जो भी वार्ड नंबर 9 का पंच बनता है उसकी मौत हो जाती है। पिछले 4 कार्यकाल में जो भी वार्ड नंबर 9 का पंच बना, या तो उसकी पंच रहते मौत हो गई, या फिर वो अचानक बीमारी की वजह से कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका निधन हो गया। यही नहीं, एक महिला पंच बनी तो उसके पति को बीमारी ने घेर लिया। मरने को डर है, मौत को डर सन लग गया है, पूरा अकाल मौत ही बड़ा कड़काएंगे, मतलब आदमी ने देखा आई आई। क्या वार्ड नंबर 9 अपशकुनी है? 1995 में पोकरमल मेघवाल पंच चुने गए। पंच बनने के बाद लगातार रहती थी तबियत खराब। साल 2000 में फिर से पोकरमल पंच चुने गए, लेकिन दोबारा पंच बनने के बाद पोकरमल की मौत हो गई। 2005 में बसेसर लाल मेघवाल की पत्नी मुन्नी देवी पंच बनी, लेकिन बसेसर लाल मेघवाल अचानक बीमार हुए। 2010 में हनुमान जांगीड़ पंच चुने गए, पंच बनने के 3 महीने बाद ही बीमारी से मौत हो गई। आज के टाइम में चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं, हर आदमी का एक होप है कि इस वार्ड से कोई चुनाव लड़ेगा तो निश्चित ही खत्म होगा या बीमार पड़ेगा। बीमार पड़ने और मौत के डर से या कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। पहले जब ग्राम पंचायत 6 थी तो इसका वार्ड का नाम वार्ड नंबर 9 था, उसका घंटाव में वार्ड नंबर घंटाव पंचायत बनी तो विभाजन हो गया, वो 4 में चला गया, तो उसमें भी पहले भी 9 नंबर वार्ड था, उसमें भी 2-3 पंचों की मौत हो चुकी थी। उसमें पहला गिरधारी लाल जाखड़ था और दूसरा वो मलाराम जांगिड़ था। 1995 में पहले सही पंचायत थी, उसके बाद में 1995 के बाद में सही पंचायत से अलग होकर घंटाव पंचायत बन गई। उसके बाद में 1995 में पहले 2 वार्ड थे घंटावा के, एक 8 नंबर और एक 9 नंबर। 9 नंबर के 4 भाग हो गए, 2 भाग, एक वार्ड नंबर 4 और एक वार्ड नंबर 9। तो हम 9 नंबर वार्ड के हैं उम्मीदवार। उसमें पहली बार जो पंच बना वो जमनाराम कुमार, वो 2-2.5 साल तक लगातार बीमार रहा। उसके बाद में जब दोबारा चुनाव आया तो उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि भाई पोकर में तो 2.5 साल 5 साल निठासी काटी ही, मेरी श्रद्धा को नहीं मैं मरूंगा, चुनाव तू ले, बामाड़ा पोकर के गढ़ में गाल दी।